शुक्रवार को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के जोनल अध्यक्ष भूपेंद्र भटनागर और उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के मंडल सचिव एसआई जेकब के नेतृत्व में स्टेट ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के आह्वान पर लोको कारखाने के मुख्य द्वार पर सातवें वेतन आयोग की प्रतिकूल सिफारिशों के विरोध में विशाल धरने का आयोजन किया गया। धरने को संबोधित करते हुए भटनागर ने बताया कि केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को आरंभ से ही जानबूझकर विलंब किया। अंत में 19 नवंबर 2015 को वेतन आयोग ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट के प्रतिकूल सिफारिशों और कर्मचारियों के साथ अन्य का विरोध सभी संगठनों ने किया। केंद्र सरकार ने रिपोर्ट की समीक्षा और अंतिम प्रारूप बनाने के लिए एम्पावर कमेटी का गठन भी देरी से किया। संगठनों ने सभी विभागों के कर्मचारियों का पक्ष एम्पावर कमेटी के समक्ष रखा और सरकार को पर्याप्त समय दिया, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस प्रस्ताव पास नहीं हुआ। इस कारण रेल कर्मचारियों में अत्यधिक रोष उत्पन्न हो गया और ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन कमेटी के निर्णय के मुताबिक 9 जून को सभी क्षेत्रीय रेल मुख्यालयों पर महाप्रबंधकों को 11 जुलाई 2016 सुबह 6 बजे से हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया गया। सभा को एसआई जेकब, मुकेश माथुर आदि ने भी संबोधित किया। हम अपना अधिकार मांगते सभी मुद्दों पर भारत सरकार की तरफ से नकारात्मक रवैया आ रहा है और लगातार बातचीत के बाद भी कोई सकारात्मक पहल नहीं है। इसके विरोध में तमाम केंद्रीय कर्मचारियों के साथ रेल कर्मचारियों ने 9 जून को महाप्रबंधक महोदय को 11 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस देने का काम किया है और आज रेल कर्मचारी कमर कस करके और हड़ताल के लिए तैयार हैं और 9 जून के बाद लगातार हम तरह तरह के कार्यक्रमों के द्वारा कर्मचारियों को जागृत करने का काम कर रहे हैं और कर्मचारियों का भरपूर सहयोग और समर्थन मिलने का काम हो रहा है। धरने के माध्यम से हम इस देश की सरकार को ये संकेत, ये अपनी बात पहुंचा देना चाहते हैं कि अगर समय रहते उन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना, जो चार्टर ऑफ डिमांड हमने देने का काम किया है उस पर कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया, तो 11 जुलाई से सुबह 6 बजे इस देश की सारी गाड़ियां वहीं की वहीं थम जाने का काम होगा और आने वाले समय में ना सिर्फ रेल रुकेगी बल्कि पूरा देश थम जाएगा। सरकार से हमने 26,000 प्रतिमा मजदूर को वेतन मांगने का काम किया था, लेकिन उसके एवज में 8,000 ही देने का काम किया। चाहे फिटमेंट 18,000 फिटमेंट फार्मूला जो था उसको भी बदलने की बात जो है उन्होंने की है। ये सारी बातों को लेकर के हमने न्यू पेंशन स्कीम, जिसका हम लगातार विरोध करते चले आ रहे हैं, पूरे सर्विस काल के अंदर 5 हमने प्रमोशन मांगे थे जो 3 रखे और 3 में भी ये करने का काम कर दिया कि तीनों वेरी गुड सीआर होंगी तीनों साल की तो ही प्रमोशन मिलेगा, जबकि पहले 2 सीआर पे ही प्रमोशन मिल जाता था। कि जिस तरह से फौजियों को पुराना पेंशन स्कीम से संचालित किया जा रहा है, ठीक उसी तरह से रेल कर्मचारियों की भी कार्यशैली फौज की तरह से, उसको उदाहरण देते हुए दोनों रेल मंत्रियों ने, यूपीए सरकार की और एनडीए सरकार के रेल मंत्रियों ने न्यू पेंशन स्कीम रद्द करके रेल कर्मचारियों को पुराना पेंशन स्कीम लिबरलाइज्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत सम्मिलित करने के लिए चिट्ठी लिख तो दिया, लेकिन भारत सरकार द्वारा, विधि मंत्री द्वारा कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं कर रहे।